नमस्कार, केसीएन टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं एमजेड खान। आइए डालते हैं एक्सक्लूसिव और ताजा खबर पर एक नजर। पुनीत दुबे और उसके परिवार का रहना हुआ दुश्वार। आपको बताते चलें कि पुनीत दुबे पत्रकार हैं और इनको तरह तरह से परेशान किया जा रहा है। कभी घर की खिड़की का पर्दा हटाकर परेशान किया जाता है, तो कभी और किसी तरह से। जैसा कि बताया जा रहा है कि नवनिर्मित मकान का स्टे ऑर्डर है, और जब से स्टे ऑर्डर का पुनीत दुबे को पता चला, तब से निर्माण कार्य रुकवाया गया है और रुका हुआ है। बावजूद परेशान किया जाना किसी के द्वारा, यह काफ़ी असहनीय बात है, और इस पर प्रशासन को उचित कदम उठाए जाना चाहिए। परंतु प्रशासन द्वारा उचित कदम का नहीं उठाया जाना। क्या नाम है आपका? एक पत्रकार उसके परिवार के साथ क्या मामला है? अभी 112 नंबर का मामला सामने आया था आज। आइए सुनते हैं क्या किस मामले में पत्रकार की कहानी। मैं कई दिनों से जुबानी बहुत परेशान किया जा रहा हूं। एक गाटा संख्या आज क्या था, क्या कहते हैं कि आज हम लोग अपने बीवी बच्चों के साथ यहीं पे हम लोग निवास कर रहे हैं लगभग 15 दिन से। अच्छा, अब हम इसी में रह रहे हैं। अच्छा, और क्या कहते हैं अपने बच्चों के साथ, मेरे बच्चे हैं सब, मैं यहीं पे रहता हूं। दिखाई दे रहा है मैंने भी। हाँ, और उसके बाद ये 1725 गाटा नंबर है, इसमें मैंने अपने पत्नी के नाम एक बिस्सा जमीन बैनामा किया है, इसमें और भी कई लोग बैनामेदार हैं, पूर्व में बैनामेदार और भी हैं। लेकिन जिस चौहद्दी पे मैंने लिखाया है उत्तर साइड राजा नाम पाल, इस चौहद्दी पे और कोई नहीं है, मेरी चौहद्दी है। दूसरा चीज जो हमारे पीछे प्रभावती गुप्ता, पत्नी मोहनलाल गुप्ता बाबू पुरवा, इनके बेटे सुरेंद्र गुप्ता क्या कहते हैं हम मेरे ऊपर केवल हमें परेशान करने के लिए, इन लोगों की चौहद्दी जो लिखी गई थी पुरानी चौहद्दी इन लोगों की वहां है। अब मैंने जो बैनामा लिखाया है, मेरे बैनामा के मेरे जमीन जहां से मैंने लिखवाया है, इसके रोड पे मेरा नहीं जाता है, क्योंकि मेरे घर के सामने दूसरा कोई नंबर है, इसलिए मैं रोड पे नहीं हूँ। मैं जहां से उनकी जमीन शुरू होती है वो रोड से नहीं है। उसके बाद जब मैंने लिखाया तो अब मैं जितनी बार भी फोन किया एसडीएम साहब को मिलने के लिए, जब उन्होंने रोक लगाया 4 तारीख को, 4-10 को नहीं, 4-11 को उन्होंने रोक लगाया, तो हमने वो दूसरे दिन फोन किया कि सर हमको भी अपनी बात रखनी है आपसे, हमको भी समय दे दीजिए। उन्होंने बोला कि अभी 1 हफ्ते समय नहीं, 1 हफ्ते बाद मिलना। उसके बाद मुझे तरह तरह के हथकंडों से परेशान किया गया, मेरे ऊपर बराबर दबाव बनाया गया एसडीएम सदर की तरफ से कि ये मकान खाली कर दो, खाली करके क्या कहते हैं उनको दे दो। किसको? प्रभावती गुप्ता को। क्यों? केवल सर वो हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो केवल गुप्ता बिरादरी की वजह से, केवल बिरादरी की वजह से, मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए मुझे परेशान किया जा रहा है। अच्छा। मैं गरीब आदमी हूँ, मैंने ये जो मकान एक कमरा बनाया है, मेरे पास रहने का घर नहीं है, मैंने अपना मकान बनाया है, इस मकान को बनाने में हमने कई जगह से कर्जा लिया है, अभी मैंने बैनामा लिखाया उसमें भी 50,000 मेरा बाकी है, मुझे देना है। सब कुछ होने के बाद अभी भी वो क्या कहते हैं मेरे पीछे केवल पड़े हैं। और प्रभावती गुप्ता, उनके बेटे सुरेंद्र गुप्ता और कई लोगों से मिलकर केवल मेरे ऊपर मुकदमा लिखाना चाहते हैं। अब मुझे ये तो ठीक है, आपने सुबह भी 112 नंबर पे फोन किया था, उस
किस संबंध में उनके पास फोन किया था? मैं अपने परिवार बच्चों के साथ लेटा था इसी घर में, इसी में हम लोग लेटे थे, तो हमारे अभी मैं खिड़की नहीं लगाया हूँ। हाँ वो तो दिखाई दे रहा है, खिड़की लगा है उसमें, वो दीवाणी नहीं लगी, पर्दा लगा है, पर्दा खाली वैसे मैंने ठोक के रखा है, तो वही पर्दा को क्या कहते हैं, वो आए और हाथ डाल के मेरा पर्दा फाड़ दिए। अच्छा। उसके बाद वो झांक रहे थे, तब तक क्या हम लाइट बुझी थी मेरी, हम लेटे थे, जब पर्दा गिरा दिए उसके बाद हमने हमारी वाइफ देखी कहीं को, देखो कोई झांक रहा है। अच्छा। जब तक मैं बाहर निकला हूँ, रुको 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 करते, यही बबलू मिश्रा का दुकान है उसी के पास गाड़ी वो अपनी खड़ी करके, और उसके बाद दौड़ के वहां भाग गए। हमने कहा क्यों इसमें झांक रहे हो, हम लोग जब लेटे बैठे हैं क्यों झांक रहे हो। अच्छा। तब तक वो भाग गए, तो उसी संबंध ने, तो उसी संबंध में आपने तुरंत 112 नंबर फोन, कैसे ऐसे सर मुझे परेशान किया जा रहा है। और हमें अभी पता लगे बनने के बाद कि इस पे दो लोगों ने इस गाटा संख्या पे स्टे कर दिया है, की नोटिस मिली है आपको? नहीं हमें मिली नहीं है, लेकिन हमें वो व्हाट्सएप के द्वारा उनके रेखा तिवारी के पति हमारे पास भेजे हैं। अच्छा। तो तब मुझे जानकारी हुई है अभी। अच्छा। तो मैं अब आप देख लीजिए मेरा जितना बना है मुझसे, मुझे इससे इसमें एक भी, मैं माननीय न्यायालय का पूरा क्या कहते हैं पालन करूंगा, और जितना मेरा बना है इसके अलावा मुझे कोई चीज बनाना नहीं है, लेकिन मुझे जब कोर्ट का जो फैसला आएगा जी, अब मैं पूरे प्रतापगढ़ के अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि मुझे जात SDM सदर जात विशेष को लेकर परेशान, केवल मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरे ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखाना चाहते हैं। अच्छा। केवल यह, जब भी मैं कोई उनको कागज दिखाना चाहता हूं तो मेरा एक भी कागज देखने को तैयार नहीं है। अच्छा जी, चलिए ठीक है, वो तो दिखाई दे रहा है कि इसमें कोई अभी जो मेरा निर्माण कार्य नहीं हुआ है, मुझे नहीं बनाना है, मैं इसमें रहता हूँ। हाँ, एक एक तो यहाँ आप परमानेंट रहते हैं? परमानेंट रहता हूँ, खाना पीना सब यहीं बनाते हैं, पूरे परिवार के साथ रहते हैं जी, और ये मेरा परिवार है पूरा, यहीं पर बच्चे हैं। दूसरा चीज, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ, मैं इसमें रह रहा हूँ, अगर आज सुरेंद्र गुप्ता इसमें हाथ डाल के दिन में झांक रहे थे, अगर मेरे और मेरे परिवार के साथ कोई घटना घटती है या कुछ होता है इस कमरे में, तो इसके जिम्मेदार केवल प्रभावती गुप्ता का परिवार और क्या कहते हैं, मैं और नहीं कह सकता हूं, लेकिन इसमें पूरी तरह से मुझे परेशान करने में सिर्फ SDM सदर का हाथ है। अच्छा, अच्छा। हाँ। तो सक्षम अधिकारियों से आप क्या चाहते हैं? सक्षम अधिकारियों से मैं चाहता हूं कि इनके आवा चाहे जिससे जांच करा लिया जाए। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे नई और एक्सक्लूसिव खबर लेकर। आप बने रहें KCN TV के साथ, हम बने रहेंगे आपके साथ।